आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेते हम। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? कि भाई इलेक्ट्रॉन है भाई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किससे निकालना है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। किससे निकालना है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। अब इसमें बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहां से लगोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो फैक्टर कौन कौन से पढ़े थे हमने? एक पढ़ा था साइज। तो खुद बोलो, अगर साइज छोटा होगा, साइज बड़ा है और दूसरे में साइज छोटा है, ठीक, तो साइज छोटा है तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज बड़ा है तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरी बात, इक्वेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा ये देखो, अगर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जेड, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। फिर ठीक है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता था याद करो? या इलेक्ट्रॉन लगा दोगे इसको और दूर करेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज बढ़ता था यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता था। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। इसमें क्या है? साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। चौथा क्या था भाई? पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो एस से निकालना मुश्किल है, पी से, फिर डी से, फिर एफ से। इस इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू ऑल दिस। फिर अगला क्या था? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन कौन सी होती है? जो हाफ फिल्ड होती है और जो फुली फिल्ड होती है। हाफ फिल्ड जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस, फुली फिल्ड जैसे कि नोबल गैसेस और बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो ये पांच फैक्टर थे। जनरल ट्रेंड क्या था? ये देखो, पीरियड में क्या होता था? इधर जाने पर साइज छोटा होता था, साइज छोटा होता था यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, यानी इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इधर नीचे जाने पर ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप पे जाने पर साइज नीचे जाने पे बढ़ता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या था? जनरल ट्रेंड, ठीक। तो इसके नीचे नोट करके लिख लो, नोट, पहला पॉइंट, इन अ पीरियड नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इन अ पीरियड नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लो, ड्यू टू फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉन सबशेल, ड्यू टू फुली फिल्ड स्टेबल सबशेल, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब बताओ, तो सबसे ऊपर यहां पर हीलियम हुआ ना, मतलब इस पॉइंट की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, क्योंकि पीरियड में भी इधर जाने पर हाईएस्ट हो रही है और जितना ऊपर है वो हाईएस्ट है। तो सबसे ऊपर कौन होता है? हीलियम। तो देखो, हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। अब आज हमें पढ़ने एक्सेप्शंस। तो ये जनरल ट्रेंड है, इसको क्या बोलोगे? जनरल ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी। जनरल ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी, हेडिंग डालो एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड। एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड,
देखो बेटा एक्सेप्शन इन जनरल ट्रेंड। अब देखिए एक बात ये ध्यान रखना इस टॉपिक में क्या होता है, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एक्सेप्शन से ही, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या होता है, बच्चे अपने मन से नए नए एक्सेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जान लीजिए ये एक्सेप्शन हमें एक्सपेरिमेंटली पता चले उसके बाद इनका रीजन ढूंढा गया है। तो प्लीज मुझसे अपने मन से एक्सेप्शन मत बनाना, अगर कि इसमें ऐसा है तो फिर इसमें भी ऐसा क्यों नहीं है, तो उसका सिंपल सा मेरे पास आंसर रहेगा, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं पाया गया है, ठीक है ना। तो सर ऐसा क्यों फिर हमें याद करना पड़ेगा, देखो याद करना पड़ेगा लेकिन उसका मैं रीजन दूंगा। होता क्या है कि जो तुम दूसरा कोई अपने मन से एक्सेप्शन बनाने की कोशिश करोगे, है क्या कि आपको बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से चीजों को पढ़ाया जाता है 11th 12th लेवल पे, असली जो साइंस है वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो इतने सिंपल सिंपल चीजों पे नहीं चलती है, आपको क्या है कि बहुत ही सिंपल सिंपल फैक्ट बताए जाते हैं, तो इसीलिए आपके सिलेबस में उसी टाइप के हैं जो सिंपल सिंपल चीजों से एक्सप्लेन हो जाए। ये जितने एक्सेप्शन करा रहा हूं उतने ही आपने याद रखने। देखो पहला पीरियड में एक्सेप्शन, अब लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, साइज छोटा होता था, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, कम हो जाती थी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, साइज छोटा होता था, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती थी। तो देखो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, यही दो पीरियड एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में है, क्या होना चाहिए भाई, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम तो जनरल ट्रेंड क्या है, देखो ये होना चाहिए, इधर जाने पे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए भाई, लेकिन देखो गड़बड़ कहां पे होती है, गड़बड़ होती है ये यहां पर और यहां पर, इसमें उल्टा हो जाता है ये, इस दो जगह गड़बड़ होती है, तो ऐसा क्यों ये देखेंगे। तो ये बेटा लिखो, ये क्या है एक्सेप्शन, ये भी क्या है एक्सेप्शन, अब क्वेश्चन लिखो वाई फर्स्ट आयोनाइज, अच्छा जितनी भी ये बातें कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट किसकी बात करते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, कोई कुछ भी बोलेगा हमेशा अगर वर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यूज कर रहा है तो वो कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी यूज कर रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो कि वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज लेस देन बोरॉन, वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज less than first ionization energy of beryllium is greater than boron, होनी किसकी चाहिए थी, boron की, but second ionization energy of beryllium is less than boron। देखो expected क्या था, पहले ये समझो, expected था कि beryllium और boron में किसकी ज्यादा होगी, boron की ionization energy, क्यों, क्योंकि इधर जाने पर ionization energy क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन एक्चुअल क्या है, बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से, तो ऐसा क्यों है, ठीक है लिखो। ठीक देखो बेरिलियम में कितने होते हैं, चार, 1s2 2s2, बोरॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट से निकालोगे यानी बेरिलियम में 2s2 से निकालोगे, इसमें 2p1 से निकालोगे, तो देखो दो रीजन होते हैं, अभी मैं लिखाऊंगा पहले समझ लो, एक होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, बेरिलियम में तुम निकालोगे 2s से इलेक्ट्रॉन, और बोरॉन में तुम किससे निकालोगे, 2p से इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, बेरिलियम में 2s से निकालोगे, बोरॉन में क्या करोगे 2p से निकालोगे। तो भाई आपको पता है ये s से पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, भाई बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, s का ज्यादा होता है p से, क्योंकि s ऑर्बिटल याद करो छोटी होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, p ऑर्बिटल बड़ी होती है तो दूर है तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लिखो a, ये इतना लिखो, फिर यहां लिखा रहा हूं पेनिट्रेशन इफेक्ट, उसमें लिखो इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s बट इन बोरॉन इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2p। Hence, penetration effect in beryllium is, hence penetration effect in beryllium is greater as compared to boron. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा एक रीजन है जो बुक्स में दिया जाता है, हालांकि मैं इस रीजन से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन ये बुक्स में दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब लोग क्या बोलते हैं कि बेरिलियम में क्या है दूसरा, बेरिलियम लिखो सेकंड, सेकंड रीजन इज स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन लिखो इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल व्हिच इज फुली फिल्ड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम फुली फिल्ड। देखो क्या है, इसमें फुली फिल्ड से निकालोगे, फुली फिल्ड वाली सबशेल क्या होती है, ज्यादा स्टेबल, और ये ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है मुश्किल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है आसान है। तो लिखो कि बेरिलियम हैज स्टेबल फुली फिल्ड 2s सबशेल, सो In, more energy is required to remove electron, so more energy is required to remove electron from 2s subshell. More energy is required to remove electron from 2s subshell. ठीक है, ये लिख रहा हूँ। तो दो कारण हुए क्या, बेरिलियम भाई होनी चाहिए थी बोरॉन की ज्यादा, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि बेरिलियम में किससे निकालना एस से, इसमें किससे निकाल लो पी से, तो एस से निकालना मुश्किल है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका क्योंकि एस वाला क्या होता है मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, और पी वाला क्या होता है दूर होता है, एस वाला मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस और पी वाला क्या होता है दूर होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बेरिलियम में क्या है फुली फील्ड है, और बोरॉन में क्या है फुली फील्ड या हाफ फील्ड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, बेरिलियम में क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, और इसमें क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो इसी तरह देखो, बेरिलियम के लिए मैग्नीशियम आता है तो उसके साथ भी यही केस होता है, देखो जैसे ही है वैसे ही है, इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की भी एक्सेप्शन होती है और मैग्नीशियम की भी एक्सेप्शन होती है। सर इसके नीचे वाले वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से और मैग्नीशियम की ज्यादा है अल्युमिनियम से, जो कि उल्टा है, होनी किसकी चाहिए थी, होना क्या चाहिए था, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसकी क्यों ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि पीरियड में इधर जाने पर क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो होना ये चाहिए था लेकिन हो क्या रहा है, ठीक है।
अब एडिंग डालो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसी में। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड है कि इसकी ज्यादा होगी और होती भी इसी की ज्यादा है। भाई तुम एक्सपेक्ट क्या करोगे कि पीरियड में इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, तो भाई होती भी है इसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? देखो जब तुम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तब तुम इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से निकालोगे कि बेरिलियम प्लस से निकालोगे, ये बताओ। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला ये क्या हुआ? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें जो एनर्जी लगेगी इसको क्या बोलोगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, है कि नहीं? इसको बोलोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको क्या बोलोगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी तरह जब बोरॉन से भी निकालोगे तो जब पहला निकाला इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब इससे निकालोगे तो क्या बोलोगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए पिछले वाले में हमने कंपेयर किया था इसको और इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें कंपेयर करना है किसको? बेरिलियम प्लस और बोरॉन प्लस को, ठीक है। ये लिखो अब देखो भाई बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2, ठीक। बेरिलियम प्लस का क्या हो गया? 2s1। बोरॉन का क्या था? 1s2 2s2 2p1। बोरॉन प्लस का क्या हो गया? तो अब देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट तो रहा नहीं, जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेरिलियम में से भी 2s से निकालोगे और बोरॉन में से भी 2s से निकालोगे। बोलो भाई है कि नहीं? जब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे तो याद करो तब बेरिलियम में किससे निकालते थे? तब बेरिलियम में 2s2 से निकालते थे और बोरॉन में किससे निकालते थे? 2p से। तो तब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के टाइम क्या था? पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो अब कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब ये फुली फिल्ड हो गया तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तीसरा, इसका साइज भी छोटा होगा। क्यों? इसमें भाई 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है कि नहीं? तो इसीलिए अब यहां पर क्या है? नो पेनिट्रेशन इफेक्ट। और इवन ये क्या हो गया? फुली फिल्ड। इस बार ये फुली फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है। और तीसरा कारण, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। इसीलिए देखो फर्स्ट यही होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा, मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज्यादा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बताओ? जिसकी होनी चाहिए थी, ठीक। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन वाई। देखो एक तो ये था, दूसरा क्या था? वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। सोचो ऐसा क्यों है? देखो एक्सपेक्टेड क्या था? कि ऑक्सीजन की ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक। एक्चुअली क्या होता है ये, जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा क्यों? सोच के देखो भाई, नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3, ये देखो ये क्या है? हाफ फिल्ड। याद करिए कल मैंने आपको बताया था हाफ फिल्ड वाले
एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हाफ फिल्ड है तो ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल। ऑक्सीजन में देखो 1s2 2s2 2b4। अब देखो ये तो हाफ फिल्ड नहीं है, ना ही ये हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुली फिल्ड है, ना ही ये हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुली फिल्ड है, ठीक। तो भाई ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो हम क्या बोलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। तो बस सिंपल, अब इस बार देखो कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं है, इस बार केवल एक ही इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसमें क्या है कि ये हाफ फील्ड नहीं है, ये क्या है भाई, फुली फील्ड भी नहीं है, तो इसीलिए ये क्या, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन की, जबकि होनी किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की। तो ये लिखो, इसके बाद बोलता हूं, यहां पे चाहो तो लिख लो कि पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं है, पेनिट्रेशन इफेक्ट इस बार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में ही किससे निकाल लो, दोनों में पी से निकाल लो, ठीक है, लिखो कि देयर विल बी नो पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये सारा लिख लो, फिर लिखो देयर विल बी नो पेनिट्रेशन इफेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम p orbital in both the cases, ठीक है। दूसरा लिखो कि नाइट्रोजन has half filled electronic configuration, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, हेंस मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन एक्सपेक्टेड, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन एक्सपेक्टेड, देयरफॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस, देयरफॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, इसी तरह फॉस्फोरस की भी ज्यादा हो जाएगी सल्फर से, होना क्या चाहिए था इसका उल्टा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। अब देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों ही सेम है, तो ऐसा क्यों है, जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो तुम n प्लस से निकालोगे और O प्लस से निकालोगे, जब n प्लस से निकालोगे तो ये हो जाएगा 2p2 और जब O प्लस से निकालोगे तो ये हो जाएगा, अब देखो तो अब ये क्या हो गई, हाफ फील्ड। अब इसके फेवर में सारी बातें हो गई, ये हाफ फील्ड भी हो गई, इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, इसमें देखो 7 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है, 8, न्यूक्लियर चार्ज भी इसका ज्यादा है और इस वजह से इसका साइज भी क्या है, छोटा है, तो इसीलिए इससे निकालना मुश्किल होगा। हाफ फील्ड भी है, इसमें सारे अच्छे फीचर आ गए, हाफ फील्ड भी है, न्यूक्लियर चार्ज भी इसमें ज्यादा है, 8 प्रोटॉन है इसमें 7 प्रोटॉन है, दूसरा इसका साइज भी छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने से क्या होगा, ये देखो ये बड़ा साइज ये छोटा साइज, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसीलिए क्या होता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे ही होती है,
ठीक है, लिख लो, ये देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये फिर से लिखिए पूरा, इसके नीचे लिखिए कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो भाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी और इधर सल्फर की ज्यादा होगी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन स्कूल लेवल के क्वेश्चन हैं, ये समझिए आप, जैसे स्कूल का एग्जाम होगा उसमें से ये टॉपिक बनेगा, तो ये दोनों ही क्वेश्चन स्कूल लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। जेई में तो इस टाइप का ख्याल नहीं आएगा, ये दोनों स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखिए करते कैसे इसको, मैं एक पहले देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जल्दबाजी मत करिएगा, हीरो मत बनिएगा, वरना गलत हो जाएगा। हमेशा क्या निकालना, पहले एक्सपेक्टेड फिर एक्चुअल। एक्सपेक्टेड क्या होगा बताओ, पीरियड में इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा बताओ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। अब देखो एक्चुअल, आपको पता है यहां एक्सेप्शन होता था तो बस एक ही चेंज करना है क्या, ये देखो बस एक ही चेंज किया मैंने, ये देख रहे हैं आप, ये बस एक्सेप्शन जो है वो बगल वाले तक ही सीमित है, ये नहीं कि ये उठ के यहां आ जाएगा, ये उठ के यहां चला जाएगा, ठीक। अब वीडियो पॉज करिए और बाकी सारे करिए, देखो एक्सपेक्टेड क्या है सेकेंड वाला भाई, सोडियम फिर मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन, क्योंकि पीरियड में इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन आपको पता है यहां गड़बड़ है, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, ठीक है। बस यहीं पे देखो मैंने गड़बड़ करी है, बस ठीक है। अब फिर से पॉज करो, सी वाला करो, अब तक आप पॉज करके कर चुके होंगे। देखो एक्सपेक्टेड क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, एक्चुअल क्या होगी भाई, इधर एक्सपेक्टेड क्यों, क्योंकि इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यहां पर एक्सेप्शन होगा, तो ये देखो ये चेंज हो गया। इसी तरह ये देखो क्लोरीन फास्फोरस, तो फिर से पॉज करो इसको ट्राई करो, एक्सपेक्टेड क्या है भाई, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, कसी ये भाई ऐसे आते हैं ना, याद रखो इस ऑर्डर में आएंगे, तो अब फास्फोरस सल्फर में गड़बड़ होती थी याद है, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस क्लोरीन। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन थे, मेडिकल के लिहाज से भी ये इजी क्वेश्चन थे, हालांकि मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी ये इजी क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन कब बनते हैं, जब आप बात करो किसकी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। अच्छा क्वेश्चन कब बनेगा, जब आप बात करो किसकी,
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो लिखो क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यही चारों हैं, इनको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में लगाओ। तो अब ये सवाल कठिन हो जाता है, ठीक है? सोचिए आप, थोड़ा मैं पानी पीता हूं। पहले मैं कराता हूं, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। ट्रिक देखो इसकी, इसकी ट्रिक देखो बेटा, वरना खुद से करोगे गड़बड़ करोगे, हो सकता है एक बार सही कर दो आगे गलत करोगे। ट्रिक देखिए, पहले बताओ लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 3, 4, 5, 6। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, यानी मैं निकालना लिथियम से नहीं है, लिथियम प्लस से है। बेरिलियम से नहीं निकालना है, बेरिलियम प्लस से निकालना है। बोरॉन से नहीं, बोरॉन प्लस से। कार्बन से नहीं, कार्बन प्लस से निकालना है, ठीक है? तो अब देखो, तो लिथियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। यानी इसको किसके इक्विवेलेंट मान लो? हीलियम के, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब बताओ, ये तो एटॉमिक नंबर है ना, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो बेरिलियम प्लस में कितने हो गए? 3। तो 3 किसमें होते थे? लिथियम को, तो इसको लिथियम मान लो। बोरॉन प्लस में 5, तो बोरॉन में 5, तो बोरॉन प्लस में 4, यानी इसको बेरिलियम मान लो। कार्बन प्लस में कितने? कार्बन में 6, तो कार्बन प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? बोरॉन में। समझो, हमने क्या किया, इसको सोचना मुश्किल है और फंस सकते हो, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है? भाई बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेरिलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। 3 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा होता है? लिथियम। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन प्लस से निकालना है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वाला। 4 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है? बेरिलियम। कार्बन में कितने होते हैं? 6। कार्बन प्लस कर लिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो यानी ये किसके जैसा हो गया? बोरॉन के जैसा, ठीक है? अब हमें इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, और वो भी कौन सी? फर्स्ट। तो अब सोचो, हीलियम जो है उसकी तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, याद करो। और हीलियम, तो हीलियम की ज्यादा हुई किससे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से, ठीक? अब बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में एक्सपेक्टेड क्या होती है, ये बताओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एक्चुअल क्या होती है? यहां भी गड़बड़ हो जाती है, तो लिथियम, बेरिलियम और फिर बोरॉन, ये ऐसे लिखोगे? सॉरी, फिर वही लिख दिया मैंने, ये ऐसे लिखोगे, याद है? तो फिर पूरा ऑर्डर कितना हो गया? देखो, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम और सबसे ज्यादा किसकी थी? हीलियम की। ये हमने बना लिया। अब ओरिजिनल एटम में कन्वर्ट कर दो। लिथियम हमने क्या माना था? बेरिलियम। बोरॉन हमने क्या माना था? कार्बन। बेरिलियम हमने क्या माना था? बोरॉन। और हीलियम हमने क्या माना था? लिथियम। समझे तरीका क्या? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने को आए, तो अगर आप डायरेक्टली सेकेंड सोचोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो उसका आसान तरीका क्या है कि जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, सेकेंड निकालनी है, यानी लिथियम से नहीं, लिथियम प्लस से निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? हीलियम में। तो इसको इक्विवेलेंट मान लो हीलियम के। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो बेरिलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो 3 मान लो किसमें है? लिथियम में। बोरॉन में कितने होते हैं? 5। तो बोरॉन प्लस में कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 किसमें होते हैं? बेरिलियम में। कार्बन, कार्बन में कितने होते हैं? 6। तो कार्बन प्लस में कितने हो जाएंगे? 5। तो उसको क्या मान लिया? बोरॉन। तो हमने इसको मान लिया कि इसको, ये मान के हम करते हैं। अब हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और इन सबकी क्या निकालनी पड़ती? सेकेंड। तो हमें ये ज्यादा आसान पड़ेगा,
तब हीलियम, अब एक बात और भी सोचो, हीलियम फर्स्ट पीरियड में है और ये सारे के सारे किसमें है, सेकेंड पीरियड में। तो ऑब्वियसली हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इन सबसे तो ज्यादा ही हो जाएगी भाई। हाइड्रोजन के सामने हीलियम आता है ना, फिर ये आता है हेलिना और फिर ये आता है, याद करो भाई, ऐसे आता है ना। तो हीलियम तो ऊपर ही चला गया एक पीरियड, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक। तो फिर हमने इसको ये मान लिया, अब एक्सपेक्टेड क्या था, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन आपको पता है यहाँ गड़बड़ होती है, ये कर लिया हमने पूरा ऑर्डर, अब ये हो गया, ठीक है। अब बी वाला ट्राई करो, ये थोड़ा सा टफ है, ये आप दो तीन बार करोगे तब आपको आएगा। देखो फिर से देखना, इसको कम समझ में आया पिछला क्वेश्चन। देखिए सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन, इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे, यानी ये मान लो प्लस प्लस है, ठीक है। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14, ठीक। तो अब 12 है तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसमें, 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है सोडियम, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस आया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 12 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस आया, 13 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है अल्युमिनियम, Na प्लस, Na में 11 होते हैं, एक प्लस आया, क्या बन गया ये नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन वाला। तो हमने इसको ट्रिक की तरह कन्वर्ट कर लिया ट्रिक में, ठीक। अब सोचो सबसे हाईएस्ट नियॉन होगा, क्यों, नियॉन सेकेंड पीरियड में आता है और ये सारे थर्ड पीरियड में आते हैं, नियॉन सेकेंड पीरियड में आता है, ये सारे के सारे थर्ड पीरियड में आते हैं, इसलिए नियॉन क्या हो गया, पहली बात तो सबसे ज्यादा हो गया किससे, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम से। अब देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम का, भाई इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, तो भाई क्या होना चाहिए था, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक। एक्चुअल आपको पता है यहाँ पर एक्सेप्शन होता था, तो सोडियम फिर एल्युमिनियम फिर मैग्नीशियम, ठीक है। तो पूरा ऑर्डर फिर क्या हो गया, पूरा ऑर्डर क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट नियॉन है तो सोडियम अल्युमिनियम मैग्नीशियम और फिर ये नियॉन। अब वापस कन्वर्ट करो, नियॉन हमने किसको माना था सोडियम को, मैग्नीशियम हमने किसको माना था अल्युमिनियम को, अल्युमिनियम हमने किसको माना था सिलिकॉन को, और सोडियम हमने किसको माना था मैग्नीशियम को, आ गया ये। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से क्या है आपका कभी गलत नहीं होगा। अब इसके बाद एक ट्रू फॉल्स बताओ मुझे, कि ट्रू फॉल्स से पहला नोबल गैसेस हैव ए, नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। बी स्टेटमेंट लिखो, एल्केली मेटल्स हैव हाईएस्ट, एल्केली मेटल्स हैव हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड, एल्केली मेटल्स हैव हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड, बताओ कौन सा सही है।
अब देखो पहला स्टेटमेंट जो ट्रू है भाई, क्योंकि सिंपली आपको बताया था हाईएस्ट टर्मिनेशनलिटी पीरियड में किसकी होती है, नोबल गैसेस की। अब सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सोचने लायक है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी। तो भाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब भी तुम एल्केली मेटल देखो बेटा यहां पर होता है, ठीक है, जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ये इसके जैसा हो जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये इसके जैसा हो जाएगा। खुद देखो, देखो हेलिना करबसस पर, ठीक, इसकी आउटर मोस्ट में क्या आएगा, क्या आएगा यार, हेलिना 2s1, इसके में 3p6 4s1, लीना नहीं, अरे यार लिथियम, लिथियम में तीन होते हैं 1s2 2s1 11, 1s2 2s2, हाँ ये आएगा, ये क्या आ जाएगा 3p6 4s1, ये क्या रहेगा 4p6 5s1, 5p6 6s1, 6p6 7s1। तो अब जैसे ही तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये देखो, अब बताओ ये नोबल गैसेस जैसे बन गए, ये 2s1 की जगह अब क्या हो जाएगा 1s2, तो बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, नोबल गैसेस हो जैसी हो गई। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटाओगे, याद करो शेल चेंज हो जाता था, देखो फिर से जैसे सोडियम में देखो 2, 8, 1 सोडियम होता था 2, 8, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, तो बस एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये देखो 2, 8 हो गया, तो शेल चेंज हो गई, इस वजह से भी आप बोल सकते हो हाइड्रोजन एनर्जी इसकी बहुत हाईएस्ट है। और दूसरा देखो ये क्या हो गया, नोबल गैस जैसा हो गया। अब मान लो अल्मोनियम है, अल्मोनियम में 2, 8, 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा दोगे तब भी तो शेल वही रहेगी। तो क्या कारण होता है एल्केली मेटल की हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो पहली बात इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, शेल चेंज हो जाती है, दूसरा ये नोबल गैस जैसा बन जाता है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एल्केली मेटल्स की। क्यों? क्योंकि जब इसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो शेल चेंज हो जाएगी, शेल चेंज हो जाएगी तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लिखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, लिखो क्यों, बिकॉज व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एल्केली मेटल, व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एल्केली मेटल, लिखो ए, इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड हो जाती है, ब्रैकेट में लिख लो फुली फिल्ड सबशेल, इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड सबशेल। बी, इट्स साइज रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, इट्स साइज रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, सो इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, दस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी टर्म्स पे बताओ थर्ड हाईएस्ट हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी किसकी होगी पीरियड में, सोच के बताओ, तो एल्केली मेटल्स की। क्यों? क्योंकि भाई जैसे मान लो मैग्नीशियम है तो 282, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे, दूसरा निकालोगे तो आउटर मोस्ट से निकालोगे, लेकिन जैसे ही दूसरा निकालोगे क्या हो जाएगा, शेल चेंज हो जाएगी, नोबल गैस जैसा बन जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थर्ड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड किसकी होगी, भाई हाईएस्ट किसकी होती, नोबल गैस की, फर्स्ट, सेकेंड हाईएस्ट किसकी होगी पीरियड में, एल्केली मेटल्स की, सेकेंड, थर्ड हाईएस्ट किसकी होगी, एल्केली मेटल्स की। तो लिख लो कि एल्केली अर्थ मेटल्स हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल,
ठीक है, ये दोनों करो, ये करो भाई, इनकी भी सेकेंड ऑर्डिनेशन है, इनका लो देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो फर्स्ट तो पूछी नहीं, सेकेंड पूछी है। तो भाई 6 प्रोटॉन, 7, 8 और 9, तो हमें इसके प्लस वाले से निकालना है, ठीक है। तो भाई मान लो नाइट्रोजन प्लस, यानी 6 इलेक्ट्रॉन किसमें, कार्बन, 7 इलेक्ट्रॉन किसमें, नाइट्रोजन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन किसमें, ऑक्सीजन में, और ये क्या हो जाएगा, बोरॉन, ठीक। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, अब बताओ एक्सपेक्टेड ऑर्डर इसका क्या होगा भाई, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल क्या होता है, यहां पे गड़बड़ होती है, बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो फिर किसका ऑर्डर लिखना है, तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, बोरॉन हमने किसको माना था, कार्बन को, कार्बन किसको माना था, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन किसको माना था, फ्लोरीन को, और नाइट्रोजन किसको माना था, ऑक्सीजन को, बस हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, अगला करो। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ठीक है। तो भाई इसमें कितने होते थे, 17, 15, सल्फर 16, और इसमें कितने होते थे भाई, 14, ठीक है। तो एक एक करके मान लो, अब क्लोरीन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, सल्फर में, 15 है तो एक प्लस है, 14 इलेक्ट्रॉन किसमें होते थे, सिलिकॉन में, सल्फर प्लस 16 यानी 15 इलेक्ट्रॉन किसमें होते थे, फॉस्फोरस में, 13 किसमें होते थे, अल्मोनियम में, ठीक है। अब बताओ एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा भाई, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, लेकिन एक्चुअल क्या होता था, याद करो यहां पे गड़बड़ होती थी, अल्मोनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो फिर अपना सही ऑर्डर पे आ जाओ भाई, सही ऑर्डर, अल्मोनियम हमने किसको माना था, सिलिकॉन को, सिलिकॉन हमने किसको माना था, फास्फोरस को, सल्फर हमने किसको माना था, क्लोरीन को, और फास्फोरस हमने किसको माना था, सल्फर को। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक से आप करोगे तो आपको सवाल आसान पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन,
द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन आर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रिस्पेक्टिवली आर बताओ सर वैल्यू तो हमने याद नहीं करी है कैसे बताएंगे सोचो अरे सिंपल सी बात है बेटा रिस्पेक्टिवली कह रहा है इसका क्या मतलब पहले किसकी होनी चाहिए बेरिलियम की मतलब पहला ऑप्शन कौन सा है बेरिलियम दूसरा ऑप्शन कौन सा है बोरॉन जब रिस्पेक्टिवली कहता है तो उसका मतलब क्या होता है इसके बाद ये आएगा तो वो क्या कह रहा है कि पहली वाली किसकी है बेरिलियम की दूसरी वाली किसकी है बोरॉन की तो बेरिलियम बोरॉन में आपको पता ही है एक्सपेक्टेड क्या होता था कि बेरिलियम की कम होती थी बोरॉन की ज्यादा होती थी लेकिन एक्चुअल क्या होता है यानी इन चारों में वो ऑप्शन सही होगा जिसमें पहले वाले की वैल्यू दूसरे से ज्यादा होगी तो ये नहीं हो सकता क्योंकि पहला वाला किसको दिखा रहा है बेरिलियम को दूसरे ये पहली वाली वैल्यू बेरिलियम शो कर रही है दूसरी वाली वैल्यू किसको शो कर रही है बोरॉन को तो ये देखो तो ये बराबर हो गए इसमें भी ये ज्यादा है इसमें भी ये ज्यादा है ये आंसर हो गया क्योंकि ये देखो 900 है और 900 इज ग्रेटर देन 800 तो पहला वाला ज्यादा होना चाहिए था क्यों क्योंकि उसने क्या बोला है बेरिलियम एंड बोरॉन रिस्पेक्टिवली ठीक है अगला क्वेश्चन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर 496, 737 एंड 786 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्मोनियम देखो ये सवाल की फ्रेमिंग कैसी है कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है 496 मैग्नीशियम की कितनी है 737 अल्मोनियम की पूछी गई है सिलिकॉन की कितनी है 786 ठीक अब बताओ इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए था ऑर्डर ऑर्डर एक्सपेक्टेड तो क्या है कि भाई सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर अल्मोनियम फिर सिलिकॉन लेकिन आपको पता है यहां गड़बड़ होती है एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा सोडियम अल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन अब बताओ सोडियम की वैल्यू कितनी है 496 इसकी पता नहीं मैग्नीशियम की 737 सिलिकॉन की 786 तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी 496 से ज्यादा होगी और 737 से कम होनी चाहिए है कि नहीं क्योंकि इसकी इससे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इससे कम है तो 496 से ज्यादा वाली वैल्यू 737 से कम तो ये नहीं हो सकती 737 से ये ज्यादा है ये भी नहीं हो सकती 737 से ये ज्यादा है ये भी नहीं हो सकती ये 496 से कम है इसके बीच में होनी चाहिए इसके बीच में एक ही वैल्यू है 575
ठीक। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का वैल्यू वाला, देखिए वैल्यू की जरूरत कुछ नहीं होती है। देखो द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ सिलिकॉन फॉस्फोरस क्लोरीन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली आर, मतलब इस सीक्वेंस में इनमें से कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी सेट हो रही है। वीडियो पॉज करिए, कम से कम 5 मिनट सोचिए, फिर इसको करिए, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया, इसको सोचा, सोचोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब देखो ये वैल्यू दी है रिस्पेक्टिवली, पहले सिलिकॉन की वैल्यू होनी चाहिए, फिर फॉस्फोरस की, फिर क्लोरीन की, फिर सल्फर की, ठीक है। तो पहले हम इसको ऑर्डर में लगाते हैं, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था बताओ, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। एक्चुअल ऑर्डर क्या है, यहां गड़बड़ होती है, ठीक। यानी ये होनी चाहिए, यानी सिलिकॉन की क्लोरीन की 1 होनी चाहिए, फास्फोरस की 2, इसकी 3, इसकी 4, यानी इन चारों में ये वैल्यू, ये फोर्थ हाईएस्ट होनी चाहिए, ये वैल्यू सेकेंड हाईएस्ट होनी चाहिए, ये वैल्यू फर्स्ट हाईएस्ट होनी चाहिए, और ये वैल्यू थर्ड हाईएस्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए। चारों में जो ये तीसरी वाली वैल्यू है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। तो बताओ तीसरी वैल्यू हाईएस्ट केवल किसमें है, इन दो इसमें है बस, ये देखो तीसरी वैल्यू हाईएस्ट है, ठीक। उसके बाद ये देखो सेकंड वैल्यू यहां पर आ रही है, फिर देखो थर्ड वैल्यू यहां पर आ रही है, फोर्थ यहां पर आ रही है, ठीक है। तो ये सब सवाल थोड़े टफ थे, इनका एक्सपोजर होगा आपको तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। और आप जो वो है साइज वाला, वो आप पूरा कर लीजिए, कल ये खत्म हो जाएगा, ये भी आधे घंटे का बचा है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसको खत्म करके फिर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुरू करेंगे, और यह हो सकता है मैं आपको साइज के क्वेश्चन करा दूं। दूसरी बात, मैं आपकी ऑर्गेनिक भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हफ्ते में 3 या 4 लेक्चर से मैं आपकी ऑर्गेनिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।